मींस कि जो भी एक जैसे सपोज कि आपके पास एक वायर है, उस वायर से करंट फ्लो हो रही है, तो जो लीकेज करंट रहता है उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो वायर के एक्रॉस एक रेडियल सिस्टम में फ्लो करे। उस लीकेज करंट को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। इसलिए हम एक कंडक्टिंग वायर के एक्रॉस हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इस इंसुलेशन को रोकने के लिए हमको इंसुलेशन करना पड़ता है, तो वो हुआ कितना, उसका वैल्यू कितना है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो यही काम तो रेजिस्टेंस करता है, तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो 100 ओम के आसपास होता है। इस टाइप के मेजरमेंट के लिए बेसिकली हम केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है मीडियम रेजिस्टेंस, 100 ओम से 100 किलो ओम, इसके लिए वेरी रिस्पॉन्स सेफ्टी ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। और एवं अगर 100 किलो ओम है तो हम लॉस ऑफ चार्ज मीटर का यूज़ कर लेते हैं। बट रेजिस्टेंस इससे भी अगर एक्सटेंड कर दिया और उसकी जो रेंज है मेगा ओम के आसपास में है, तो उसमें हमको हायर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इस हायर वैल्यू जो है वो हर इक्विपमेंट के अलग अलग होता है, और उसके मेजरमेंट के लिए हमको देखना पड़ता है कि आप यूज क्यों कर रहे हैं। तो दो फैक्टर हैं जो उसको वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट है जैसे यानी जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर वेरिएशन है, उसके अक्रॉस जो भी डिफरेंट होती है उसके लिए हम करते हैं। दूसरा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आपका इलेक्ट्रिकल टाइप का भी हो सकता है, मैकेनिकल टाइप का भी हो सकता है, उसके लिए वैल्यू करते हैं। इसलिए हायर वैल्यू निकालते हैं। हायर वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट वन है आपका डिजिटल, दूसरा है हैंड ऑपरेटेड। डिजिटल काफ़ी एफिशिएंट है, डिसएडवांटेज है कि वो कॉस्टली होता है और इसमें डायरेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर देता है। हैंड ऑपरेटेड पुराना सिस्टम है और 1920 के आसपास ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब हम इसकी सर्किट डायग्राम के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है कि एक कॉइल होता है, उस कॉइल से पॉइंटर कनेक्ट है और इसमें हम हैंड ऑपरेटेड जो भी है मेगर, इसमें हम एनालॉग स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें दो रेंज होते हैं, एक जीरो और दूसरा इन्फिनिटी। इस पॉइंट से पॉइंटर लगा होता है। अब इसको एनर्जाइज करने के लिए हमको सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले अर्थ का कनेक्शन इससे जनरेटर से होगा, जिसको 120 आरपीएम से रोटेट करेंगे तो 500 डीसी वोल्ट की सप्लाई आएगी। उससे कॉइल हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, उस कॉइल से हमारा पॉइंटर कनेक्टेड है, वो पॉइंटर रिफ्लेक्ट होगा, जितना हम रोटेट करेंगे उतना हायर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो इस स्केल की जो है कंटिन्यूटी प्रॉपर है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो पॉइंटर इन्फिनिटी शो करेगा और जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जीरो से करेगा, मतलब ये स्केल हमारा सही है। अब क्या है कि अर्थ कनेक्शन, इससे हम एक प्रेशर पॉइंट लेंगे जिसका कनेक्शन इस बल्ब से होगा। दूसरा है आपका ये लाइन का कनेक्शन, ये आपका ऐसे करंट बल्ब कनेक्ट करेंगे, इसका कनेक्शन इस पॉइंटर से होगा और उसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल में जितने भी इक्विपमेंट है उनका एक इंडिविजुअल मेगरिंग वोल्टेज होता है, मेगरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, उसको आप फाइंड आउट करते हैं। रेशियो ऑफ हायर वैल्यू एक टू डिफरेंट टेम्परेचर, मान लीजिए 700 पे आप कर लिए, उसके बाद आप 750 पे निकालो, उनका जो वैल्यू निकालोगे वो पी आई निकलेगा। और उस पी आई में भी कैटेगरी है कि जैसे मान लो कि 1 के आसपास वैल्यू है तो हो गए हैं इंसुलेशन, ठीक है। 1 से अगर 5 है तो थोड़ा क्रिटिकली है, और अगर उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जा रहा है, 8 से क्रॉस कर जा रहा है या 10 के क्रॉस आ रहा है, तो उस कंडीशन पर आपको इंसुलेशन जो भी इक्विपमेंट वहाँ लगा है उसमें इंसुलेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें मेगा